Wasting no time, the Modi government will be right back at the work table, and this is for the cabinet meeting. The cabinet meeting after the Lok Sabha election victory will be on right away. So remember, it's a big day to deliberate and discuss on the government formation. Modi 3.0 Sarkar is here. And that was Prime Minister Modi's reference as well after the victory, saying, Ab ki baar Modi 3.0. With this third term, remember, this is as historic, while the BJP has won. But of course, it's not the victory that the Bharatiya Janata Party would have expected or liked. In many ways, it has been cut to size as well. With, remember, as the NDA Sarkar very close with the numbers to the India bloc alliance that has won these seats. Himanshu Mishra is joining me this morning. Himanshu, काफी थ्रिलिंग इलेक्शन रिजल्ट्स थे. भारतीय जनता पार्टी को शायद थोड़ी खुशी थोड़ा दुख होगा जिस तरह से सीट्स आई, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि बिल्कुल समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और इमीडिएटली गवर्नमेंट फॉर्मेशन की डिस्कशन हो रही है अब टेबल पे. बिल्कुल एनडीए की बैठक की है आज शाम 4 बजे और उसमें एनडीए के तमाम नेता रहेंगे. चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो बड़े नेता हैं, जिनकी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों के अंदर एक बड़ी अच्छी परफॉर्म की है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, वो तो रहेंगे ही. साथ ही साथ आज कैबिनेट की बैठक भी है. उस कैबिनेट की बैठक के अंदर जो है 17वीं लोकसभा के अंदर जो मोदी सरकार के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर एक प्रस्ताव पास कर सकती है कैबिनेट और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी की जाएगी इस कैबिनेट की बैठक में. और उसके साथ ही जो है जहां तक आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है राष्ट्रपति भवन में, उनका डिनर है और उसके बाद मुझे लगता है कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो है वो अपना इस्तीफा उन्हें सौंप सकते हैं और साथ ही नई सरकार बनाने का दावा वो पेश कर सकते हैं. और ये पहले ही राष्ट्रपति भवन की तरफ से आ गया है कि आज से लेकर 9 तारीख तक जो है तमाम कार्यक्रम जो राष्ट्रपति भवन में होने हैं उनको रद्द किया गया है क्योंकि 9 तारीख तक जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है डिसाइड कर सकती है सरकार के लिए. हम मुझे एक चीज बताइए, आज कितने बजे हम ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट? और बड़ा सवाल है मानशु, नीतीश का और चंद्रबाबू नायडू का जो 2 N है उनका इसमें कितना रोल रहेगा इस बार सरकार बनाने में? देखिए, दोनों की अहम भूमिका है. अगर आप चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे तो उन्होंने 16 सीटें जीती है. दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, उन्होंने 12 सीटें जीती है. भारतीय जनता पार्टी के पास जो है अभी ये कहें कि 240 सीटों पर जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं उन पर उनको विजयश्री मिली है. अगर ऐसे में ये दोनों दल बहुत प्रमुख हो जाते हैं क्योंकि एनडीए में इनसे बड़े दोनों दल कोई घटक दल नहीं है जिनके पास इस तरीके के नंबर हो. अगर इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए 16 और 12 तो 28 नंबर बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 32 और सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए. ऐसे में अगर पूरे एनडीए की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो 291 सीटें जो है पूरे एनडीए ने जीती है, जो बहुमत से लगभग जो है वो 19 सीटें ज्यादा है. लेकिन उसके बावजूद ये 2 घटक दल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. अगर ये 2 घटक दल कहीं इधर उधर भी खिसके तो एनडीए के लिए दिक्कत हो सकती है और इसीलिए आज एनडीए की बैठक बुलाई गई है. और मुझे लगता है दोनों ही दल अपने अपने लिए बार्गेन करेंगे कि उनको अच्छे पोर्टफोलियो मिले और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ का रिप्रेजेंटेशन. कौन सा पोर्टफोलियो कैबिनेट में, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेशन, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पे जो डिस्कशन चल रही है उस पे कंजेक्चर है, ये सारी डिस्कशंस आज बहुत जरूरी होंगी. एंड हिमांशु, आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर अपडेट्स. ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट नीतीश कुमार ऑफ द जेडीयू and also Chandrababu Naidu and the victory that he has got, the manner in which it has come in both in the state and of course for Lok Sabha, that's going to be very crucial as well. But it is all about, remember, conditions and unconditional support that will now come to the fore. BJP has won, it is 3.0 but not as easy as they had thought. Thank you so much, Himanshu, for the latest. So here's what has happened, remember, and I'm sure you were tracking all the results that had come since morning till evening, constantly the ups and downs that were taking place. The NDA has secured a 3rd consecutive victory, so it is Modi 3.0 now. But at the BJP headquarters on Tuesday, Prime Minister Modi very specifically said people have shown faith in the National Democratic Alliance and the Bharatiya Janata Party. Because of that, they have got the 3rd term. But Prime Minister also ensured that he does mention and appreciate Chief Minister Nitish Kumar and TDP Chief Chandrababu Naidu, who are leading the NDA to this historic victory for Andhra Pradesh and Bihar. Prime Minister Modi also added the mandate has shown the mirror to anti-India forces, slamming the opposition, saying that there may be a united India alliance, but they could not secure a tally as much as the BJP did on its own. So what the BJP's tally is what the India bloc's tally is. The BJP has secured 241 seats of the 291 of the National Democratic Alliance. So 13 parties of the India alliance have a tally of about 232. Those are the images on your screen. And this, remember, is reflective of perhaps how now 3.0 could be. हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमामंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा।